हाय दिस इज़ कविता जय माता दी आज हम बनाएंगे मिठो लोलो दैट मीन्स स्वीट गुड़ की रोटी ये हम यूजुअली बनाते हैं माता को भोग लगाने के लिए या हम बनाते हैं सातम में ये एक दिन पहले बना के रख सकते हैं और ठंडे में खाते हैं हम सिंधी इनको इसको मिठो लोलो लो बोलते हैं इसके लिए हमें चाहिए गेहूँ का आटा गुड़ भीगा हुआ और घी और गुड़ में थोड़ा पानी डाल के उसको भिगा के गरम करके उसे पिघाल देना है और ये रेडी है अभी हम इसमें आटा गून देंगे आधा थ्री फोर्थ घी डाल के थोड़ा सा वाटी में बचा के बाकी आटे में डाल के और गुड़ वाला पानी डाल के उसका आटा बना लेना है ये आटा थोड़ा हार्ड रहता है सॉफ्ट नहीं रहता इसके फिर गोले बना के हमने बेल लेना है और इसका चपाती से थोड़ा सा छोटा साइज रहता है इसका ये थिक भी रहता है चपाटी के जैसा पतला नहीं रहता है सो इसको पकाने के लिए हमें धीमी आंच पे पकाना पड़ता है तवे पे इसको दोनों बाजू से अच्छे से धीमी आंच पे पकाना है जो थोड़ा सा घी हमने बचा के रखा था वो इसको लगाते रहना है और ये बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा और क्रिस्पी और अच्छा बन जाएगा स्लो पे बनाना है क्योंकि अंदर से पकना चाहिए और ये आपका गुड़ का मीठा लोलो रेडी हो गया इसे हम बटर के साथ भी खा सकते हैं और नॉर्मली ऐसे भी खा सकते हैं ये ज़्यादा करके हम माता को भोग के तरीके से चढ़ाते हैं सो so अगर मुझे आपको मेरी डिशेस uh, अच्छी लगती है प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर एंड कमेंट थैंक यू जय माता दी सोन विल बी बैक विद न्यू डिश बाय दिस इज़ कविता जय माता दी